महाकाल मंदिर में सीएम शिवराज के खिलाफ लगाए गए नारे, वीडियो आया सामने। अव्यवस्था पर भक्त हुए नाराज। महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर्व के चलते रिकॉर्ड 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। आस्था के जन सैलाब का प्रशासन को पहले से पता था, इसके बावजूद की गई सभी व्यवस्था फेल हो गई। कई भक्तों को 3 से 4 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर भी दर्शन नसीब नहीं हुए। सुबह से ही विवाद की स्थिति बनती रही। हालत यह हो गई कि भक्तों ने लाइन में लगकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। अव्यवस्था से नाराज विधायक पारस जैन मंदिर में धरने पर बैठ गए। वीडियो बनाओ, लेडीज बाहर जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमथ ने सपरिवार अपने उज्जैन प्रवास के दौरान शाम को महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजन पुजारी आशीष शर्मा के द्वारा संपन्न करवाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने माननीय मलिमथ का दुपट्टा, प्रसाद एवं श्री महाकालेश्वर भगवान का चित्र भेंट कर सम्मान किया। इनके अतिरिक्त भोपाल डीजीपी सुधीर सक्सेना ने भी महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान कलेक्टर एवं अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम भी उपस्थित थे। आगर रोड पर कृषि उपज मंडी चौराहे पर प्याज पर लगाए गए 40% निर्यात शुल्क के विरोध में किसानों ने किया चक्का जाम और कृषि मंत्री का पुतला फूंका। हाल ही में प्याज के निर्यात पर शासन द्वारा निर्यात शुल्क 40% लगा दिया गया है, जिसका विरोध पूरे देश भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन के किसानों ने कृषि उपज मंडी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, कृषि मंत्री का पुतला भी फूंका और अनिश्चितकालीन समय के लिए मंडी बंद करवा दी। किसानों का कहना था कि शासन द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है वो किसानों के घर पर डाका डालने के समान है। जो प्याज कल तक कम दामों में बिक रहा था आज उसी के रेट बाजार में बढ़ गए। यदि इस फरमान को वापस नहीं लिया गया तो किसानों द्वारा किसी भी मंडी में कोई भी फसल नहीं भेजी जाएगी और मंडी अनिश्चितकालीन समय तक के लिए बंद कर दी जाएगी। अरे दादा हो पूरी लेंगे, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजबूत किसान, भारत किसान का जिंदाबाद, जब भंडार बनाएंगे लेकिन पूरी लेंगे। प्रांत के सभी 17 जिलों केंद्रों पर जो प्याज को लेकर सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि 40% निर्यात शुल्क लगा दिया गया है। जो प्याज आज 15 से 20 रुपए बिक रहा था वो 10 से 12 रुपए बिकने लग गया है। हमारी मांग है सरकार से कि इस प्रकार के निर्णय जो लिए जा रहे हैं ये किसानों को बर्बाद करने का तरीका है। दूसरा, इस देश के वित्त मंत्री जो हैं उनको खेती किसानी से कोई मतलब ही नहीं। उठपटांग निर्णय किए जा रहे हैं, 100 रुपए के प्याज पे 40 रुपए सरकार को चाहिए। सरकार इससे अच्छा तो किसानों के घर डकैती कर ले, सारा प्याज लूट ले हम लोगों का, यदि कुछ देना ही नहीं है तो। इस मामले को लेकर हमने सभी जिला केंद्रों पर आज आंदोलन किया है। दूसरा, जब प्याज लहसुन सरकार को आयात करना थी तो 0% शुल्क पर आयात कर ली, क्यों 0% शुल्क पर आयात कर ली है? यह कहाँ का न्याय संगत है? सारा ठेका किसानों ने ले रखा है। यदि आपको जनता को कम भाव में खिलाना है तो किसानों से 40 रुपए किलो में प्याज आप खरीदो और 25 रुपए में बेचें किसान व्यापारी, मतलब जनता के लिए सरकार, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर सारे
सारे शुल्क और 40% आप लोग भी चाहिए, ये व्यवहारिक है क्या? 40% शुल्क व्यवहारिक हो रहा है क्या? ये सरकार पूरे किसानों के विरोध में काम कर रही है और अगले चरण में यदि 2-4 दिन के अंदर निर्णय कुछ नहीं होता है तो सारे सांसदों का हम घेराव करेंगे, उज्जैन के सांसद का भी घेराव। आगा, 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 आगा,